देखिए बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से, आपके रद्दे अमल के हिसाब से गलतियों को कैटेगराइज करते हैं। आप जिस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं ना, बच्चे गलती को उस कैटेगरी में रखते हैं। मसलन आपने सिगरेट मंगाई बच्चे से, बच्चा नहीं लेकर के आया तो आपने पीट दिया, और आपने जो है वो नमाज नहीं पढ़ी थी बच्चे ने, आपको पता चला और आपने बस डांट दिया, डांट करके छोड़ दिया, बच्चे को क्या लगेगा? सिगरेट नहीं ला करके देना ज्यादा ही बड़ा गलती है, और नमाज नहीं पढ़ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बच्चे कैटेगराइज कैसे करते हैं? वो कुरान सुन्नत पढ़ करके नहीं देखते कौन सा जुर्म बड़ा है कौन सा छोटा है। बच्चे आपके रिस्पॉन्स से तय करते हैं कौन सी गलती बड़ी है कौन सी छोटी है। इसलिए रद्दे अमल में ना, बल्कि मैं ये देखता हूं ना, बाज मरतबा एक्टिंग करनी पड़ती है रद्दे अमल की। बच्चा कहीं से गाली सीख करके आ गया है ना, अब एक कॉमन बात है कि भाई बच्चा जाएगा तो कुछ चीजें सीख करके आएगा। अब हो सकता है आपको उतना गुस्सा नहीं आ रहा हो क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि बच्चे, लेकिन आपको बहुत गुस्से का इजहार करने की, एक गुस्से की एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको उस बच्चे को समझ में आए कि बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, है ना। तो आपके रिस्पॉन्स से जो है ना, वो बच्चा गलतियों को कैटेगराइज करता है कि कौन से लेवल की मेरी गलती है। अब आप छोटी सी गलती पर मार देते हैं और बड़ी गलती पर भी कुछ नहीं कहते हैं, तो बच्चे को जो बड़ी गलती है उसको लगता है ये छोटी गलती है, और जो छोटी गलती है उसको लगता है कि ये बड़ी गलती है।